अब्बा जान को नहीं बुला सकते जी, रियाज कह रहे हैं इस वक्त कोई बुलाए तो मारने को दौड़ते हैं। उनसे बोलो मकानदार आए मकान खाली करवाने के लिए। आप कब से मकानदार हो गए, वो किधर गई जो अम्मा जी आती थी? उनसे बोलो शरियारे मकान आए हैं। कुछ ज्यादा ही आए। मौसीकी के बीच में बोल पड़ा, फिर से क्या हुआ? मकानदार आए मकान खाली करवाने। अरे पागल वागल हो गया क्या? टहल तो ऐसे रहे जैसे पागल हो गया। लगता है मकान खाली ही करवाना पड़ेगा। अरे घास खाली हो क्या? ऐसे ऐसे मकानदार कई आए और कई गए, मैं देखता हूँ उसको जाके। अम्मा को बता दू? हाँ हाँ बता दे। और बात सुनियो। हाँ। मैं ना ज्यादा बातें करता हूँ और ना ज्यादा बातें सुनना पसंद करता हूँ। या तो आपको ये मकान आज खाली करना पड़ेगा या आज के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, बस। अरे मिया लगते बड़े दूर से आए हो पैदल चल के, मेरा मतलब है अभी तक टपक रहे हो। काम की बात करिए जी, काम की बात। अरे काम की बात ही कर रही हूँ, वैसे आपस की बात है, ये कालीन पुराना जरूर है लेकिन बड़ा पैसा लगाया था इस पे। मुझे कालीन वालीन में कोई दिलचस्पी नहीं है जी, मुझे दिलचस्पी इस बात की है कि आप ये मकान कब खाली करेंगे। अरे वो तो ठीक है लेकिन आजकल सोफों के कपड़े का भाव भी कुछ कम नहीं है। अरे बैठे रहिए, अब तो हो गया जो होना था गीला। अरे छोड़िए इन बातों को, आपको 2000 रुपए इस मकान का किराया देने पड़ेगा बस। अरे नन्हे इस मकान का? हाँ। क्या सारे कदीमा वाले खरीद रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, 1000 गज की जमीन पर ये मकान बना हुआ है, किराया तो इतना ही होगा। अरे 1000 गज जमीन पर तो कई कई जो है कब्रिस्तान बने हुए हैं, उनका किराया कितना होगा? इस मकान में 2 मंजिलें, 5 बेडरूम, 7 अटैच बाथरूम, 1 किचन, 1 बरामदा, 1 डाइनिंग, 1 स्टडी है। 30 दीवारें, 20 दरवाजे, 40 खिड़कियां, 936 वाक, क्या हिसाब किए हो नन्हे। लेकिन कहीं तुम बोल रहे हो कि इस मकान की उम्र क्या है? देखिए आपने ये मकान इसी तरह चढ़ रही है। ये मकान कितने की आवाज थी? नहीं ये तो तबला बजने की आवाज थी। अरे आपके लिए ये आवाजें जो है नहीं होंगी लेकिन हमारे लिए पुरानी है। ये मकान टूट रहा है? नहीं ये तो आपके दादा ने आराम में मिसर बनाया था जो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन इतना मजबूत मकान टूट कैसे सकता है? आपको मकान की बड़ी है हमारी जानों की नहीं। दादा बे खुदा का 5 सुरीले बच्चे, उनकी वालिदा इस बेसुरे खंडर में पड़े हुए हैं। आप ये मकान छोड़ क्यों नहीं देते फिर? हमने कौन सा पकड़ा हुआ है? हाय कितने जालिम आदमी है आप। महकमा इंसदादी बेरहमी जानवर की नजर क्यों नहीं पड़ती आप पर? राजियो अरे अब क्या हो गया? लगता है बरामदे की छत गिर गई है और साथ बीवी या कोई बच्चा उसके अंदर आ गया। आप इधर क्यों बैठे हैं, अंदर जाके देखते क्यों नहीं? आप ये पैसे पकड़िए मैं चलता हूँ। हाँ हाँ अब तो आप जाएंगे। अरे 100 रुपए से हमारा कितना इलाज हो जाएगा, अब मैं किस किस को ठीक करवाता फिरूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मैं चलता हूँ। अरे मुन्ने बात सुनियो, अपनी अम्मा को कहो चाय डाल दे, और हाँ मौसम अच्छा हो रहा है पकौड़े भी बना दे।